कल हमने पॉलिटी का कुछ शुरुआत करने के लिए आपको कहा था, तो सोर्सेज जो आपको बताए थे उनमें थोड़ी चीजें और जोड़ लीजिए। एक तो लक्ष्मीकांत की किताब बताई थी आपको, सुभाष कश्यप वाला बताया था, और तो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें ये होती है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, साथ में कुछ जो लॉ बनते रहते हैं, एक्ट बनते रहते हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट यूज करते हैं हम स्टूडेंट्स, prsindia.org। यहाँ आपको नए नए कानून मिल जाएंगे, बिल, जो भी बिल आते हैं, फिर जो एक्ट बन जाते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा कहाँ है, उसके लिए वेबसाइट है prsindia.org। और चूंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके में डेली जो डिस्कशंस होते हैं और डेली जो टीवी पे डिबेट होती है वो बहुत मायने रखती है, तो आपको कौन कोई एक टेलीविजन चैनल अच्छा वाला जो बायस्ड ना हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट, अगर आप, अगर मेरी सजेशन माने तो ऑल इंडिया रेडियो का वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पे स्पॉटलाइट 915 वाला जो स्पॉटलाइट है उसको देख सकते हैं, तो 15-20 मिनट में आपका वो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, उससे आपको सारे डिस्कशंस अच्छे से मिल जाएंगे, खास करके बायस्ड नहीं मिलेगा वो, उसमें पूर्वाग्रह नहीं मिलेंगे आपको, नहीं तो आप जी न्यूज यूज करेंगे, NDTV करेंगे, तो दोनों दूसरे क्षेत्र में हो जाएंगे, एक सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट चला जाता है, एक बिल्कुल ही फेवर में चला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष टिप्पणियां होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, तो इसकी एक आदत डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटी पढ़ते समय ये बहुत जरूरी होता है। तो आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हम लोग, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ये सब तो करते हैं, लेकिन साथ साथ एक सुनने के लिए बहुत अच्छी चीज है ऑल इंडिया रेडियो वाला, AIR India करके वो जो वेबसाइट है उस पर चले जाइए, ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट, वहां आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो जब आप लाइव ना भी सुन सकें तो रिकॉर्डेड वाला सुन सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, तो इन जो आपके जो सब जब 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 भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो दो प्रकार के सोर्सेस में बांट देते हैं, प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस, तो लक्ष्मीकांत की किताब हुई, ये सब हुए, ये सब सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस में आप बेयर एक्ट रखिए, बेयर एक्ट बोलते हैं जिसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, कल मैंने आपको बताया ना, तो आप जाकर के गूगल में लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया PDF, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में, तो जिस लैंग्वेज का जो है वो आप अपना लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें प्योर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोई कमेंट्स नहीं है, केवल आर्टिकल है और आर्टिकल के आगे जो लिखा होना चाहिए वो है बस, तो प्योर कॉन्स्टिट्यूशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, constitutionofindia.pdf करके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया PDF करके करेंगे गूगल में तो मिल जाएगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, प्राइवेट वेबसाइट से नहीं जाना, ठीक है, तो ऐसा करके पॉलिटिक की सामग्री जो है आपको मिल जाएगी। उसके अलावा NCERT भी प्राइमरी सोर्सेस है, NCERT में प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, कल तो मैंने आपको प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत अच्छे से बता दिया था, लेकिन मेंस का सिलेबस भी थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री भी आ जाता है उसमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों एक साथ चलते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय भी आपका, तो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितना 11वीं 12वीं का NCERT है, पॉलिटी का जो NCERT है, वो आप NCERT प्राइमरी सोर्सेज में रख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या हो गया, बेयर एक्ट हो गया और NCERT हो गया, और दूसरा आप जो यहां हम लोग क्लास में आपको बताते हैं, तो आप जो भी चीजें नोट डाउन करते हैं उसको रिवाइज करें, क्योंकि हम यहाँ इंपॉर्टेंट चीज को बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उसको बताएंगे,
ठीक है। तो पॉलिटी के अंदर जब आप पढ़ने जाते हो, कोई भी नया बच्चा पढ़ने जाता है तो वो घबरा जाता है, उसको लगता है कि बहुत अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी टर्म्स हैं। और जैसे वोट एंड अकाउंट आया, लेखानु हिंदी में भी डराने वाला, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, तो बहुत, बल्कि हिंदी में और ज्यादा डराता है इंग्लिश से भी क्योंकि इंग्लिश में तो आप उसका वर्ड्स को तोड़ करके कहीं कहीं कोई ना कोई मीनिंग निकाल लेते हो, ठीक है ना। वोट ऑन अकाउंट है तो ऐसा लगता है ना कि अकाउंट के ऊपर वोट देना, मतलब संसद से पूछा जा रहा है, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट है तो अकाउंट पे वोट देना मतलब हाँ संसद में कोई ऐसा रिजोल्यूशन होगा जिसके ऊपर बातचीत होगी, तो वो बात भी सही है। तो इंग्लिश में लेखानुदान होता है तो फिर लगता है कि ये क्या झंझट है, क्योंकि उसका मीनिंग नहीं निकलता, वैसा उसका मीनिंग निकलता नहीं है। तो वो तो जिसको पता होता है हिंदी में वही बता सकता है, उससे आप अपनी मर्जी से मीनिंग नहीं निकाल सकते, तो थोड़ी सी दिक्कत है। परंतु डरने वाली बात नहीं है, कुल 50 आर्टिकल हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और जिनको बार बार रिवाइज करना है। मुश्किल से 50 आर्टिकल है। आर्टिकल तो क्या क्या आपको याद रखना होता है, तो आज लिख लीजिए। आपको बिल्कुल रटने वाली जो चीज है वो 50 आर्टिकल है लगभग। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कितने, 50, जिन्हें रटना पड़ेगा। अब वो 50 कौन कौन से है हम समय समय पर क्लास में बताते रहेंगे कि ये उन 50 में आता है, ठीक है, हम गिना देंगे आपको 50। 12 शेड्यूल जो हमेशा रखनी चाहिए, और 25 के आसपास अमेंडमेंट्स होंगे। यूं तो अमेंडमेंट्स बहुत सारे हो गए, 100 से ज्यादा हो गए, लेकिन हम आपको 25 बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25 अमेंडमेंट्स। तो 25 अमेंडमेंट्स रटने हैं, लगभग 50 आर्टिकल रटने हैं, 12 शेड्यूल आपको देखनी है। उसके अलावा जो केसेस हैं, थोड़े से कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, केसेस हैं, लाइक केशवानंद भारती केस, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट वाला जो केस है, ऐसे लगभग 20 केस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका बार बार यूज होता है लिखते समय, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी उन्हीं से प्रश्न आते हैं और मेंस में भी वही होता है। तो 20 केस आप अगर रट लिए तो आप संविधान के अच्छे खासे ज्ञाता हो जाएंगे, पॉलिटी के अच्छे धुआंधार हो जाएंगे। तो मात्र 20 केस में ही वो दम आ जाएगा, जबकि केसेस तो आप अगर डीडी बसु देखेंगे या हमारा खुद का नोट्स ही देख लेंगे तो उसमें कम से कम 200 के आसपास केस है। तो क्या 200 केस याद रखना पड़ेंगे? नहीं, बार बार जो लिखने लायक जो केस है वो 20 है, 20 केस से बात बन जाएगी। तो 20 केस आप याद रख लीजिए। फिर कुछ कानून जो संसद ने बनाए हैं वो याद रखना पड़ेंगे। बार बार आरटीआई एक्ट की बात आती है ना, पोस्को की आती है, पॉक्सो आता है, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो है। तो ऐसे कितने एक्ट आपको याद रखने चाहिए? तो ऐसे कम से कम 20 एक्ट जो संसद ने बनाए हैं वो आपको तैयार करना चाहिए। 20 एक्ट की एक लिस्ट बनवा देंगे आपको, समय समय पे जो भी एक्ट बताए जाते हैं उनको आप लिखते जाना साइड, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो अगर इतना आपने कर लिया तो आपका यूपीएससी में जो 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा, लेकिन आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम इतना ज्यादा उस पर कमांड नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन में है, जैसे राइट टू प्रिवेसी के लिए जब हम पट्टा स्वामी केस कहते हैं ना, तो वो बहुत रिमार्केबल चीज है, तो वो जो बिल्कुल ही माइलस्टोन है, ठीक है। ये तो ये चीजें हैं, और लगभग 50 टर्म्स होंगी, लाइक वोट ऑन अकाउंट जैसे, ऐसी 50 टर्म्स होंगी टर्मिनोलॉजी, गिलोटीन क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ठीक है, स्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न, अल्प सूचना पर प्रश्न, शॉर्ट नोटिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे की चर्चा क्या होती है। तो ऐसे लगभग 50 टर्म्स हैं जो आपको पक्की होनी चाहिए, जो मैंने अभी कुछ टर्म्स के नाम बताया आपको। तो आपको पॉलिटी समझ में आ रही है कि उसको समेटा जा सकता है, क्या क्या करना है आपको, आर्टिकल्स के नाम देखने हैं, फिर शेड्यूल्स देखनी है, अमेंडमेंट्स देखने हैं, पार्ट्स, हाँ पार्ट्स भी कर सकते हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं कई बार। हाँ सुप्रीम कोर्ट के वो केसेस हैं डेफिनेटली, हाँ ठीक है। और थोड़ा सा जब से संविधान लागू हुआ है 1950 से अब तक जो टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, 8 से 10 बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हिला के रख दिया एकदम से। तो वो थे, उनमें 5 क्वेश्चंस तो, 5 चीजें, 10 होंगी ऐसी चीजें, उसमें 5 तो कमीशन है, 5 तो कमीशन है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को ही पूरे को रिव्यू करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का डर लगने लगा था, लोगों को लगा था कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल जाएगा क्योंकि इसको रिव्यू करने जा रहे, ठीक है। तो रिव्यू से बहुत सारे, रिव्यू वर्ड से कई लोग डर जाते हैं कि रिव्यू करने जा रहे हैं मतलब आप बदलने जा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलने जा रहे, ठीक है। जैसे कोई बात करते हैं कि आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए, रिजर्वेशन का रिव्यू करना चाहिए, कि समीक्षा तो करेंगे उससे फायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ है, और जिन लोगों को होना चाहिए उनको हुआ है कि नहीं, कहीं गलत लोगों का तो नहीं हो रहा। तो उतने में लोग जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो आंदोलन करने लगते हैं कि आप आरक्षण खत्म करना चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं, हम खत्म नहीं करना चाहते, हम देखना चाहते हैं कि इसमें हुआ क्या। बोले नहीं, हम देखने भी नहीं देना चाहते, हम नहीं चाहते कि आप देखो, ठीक है। ऐसे ही जब कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी इतने साल से चल रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के उसमें बना था, कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी के चेयरमैन, ये पूछते हैं एग्जाम। तो कमीशन की लिस्ट बनाई है, कमीशन है इंपॉर्टेंट, 20 के आसपास कमीशन मिल जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए कमीशन, जैसे सरकारिया कमीशन है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप वाला है ना, और लॉ कमीशन तो है ही है। लॉ कमीशन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉ है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल बेसिक, जहां से शुरुआत करते हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं ना हम शुरुआत कैसे करें, तो ये ऐसे शुरुआत है। आज का आज इंट्रोडक्टरी टाइप का हो गया, कल भी बताया था हमने, आज भी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होती है इन सब चीजों में जो हम लोग पढ़ेंगे, उन सब में लॉ एक चीज है। लॉ जब इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले पॉलिटी वर्ड लिखे, जो सबसे अच्छे से आपको कम से कम 1 या 2 पेज में उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके ऊपर अच्छी टिप्पणियां लिखे। पॉलिटी, व्हाट इज पॉलिटी, एक चीज देखिए। एक तो सबसे पहले नाम रखा हमने सिलेबस का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ही 1-1, 2-2 पेज में लिखो कि व्हाट इज पॉलिटी और उसकी तरह तरह की डेफिनेशंस, ठीक है। दूसरे नंबर पे गवर्नेंस क्या होता है, व्हाट इज गवर्नेंस, उसको डिफाइन करो अच्छे से। तो एक पॉलिटी का नोट्स बनाओ 1 या 2 पेज का, मिनिमम 1 पेज का तो बनाओ, और मैक्सिमम 2 पेज का, 2 पेज से ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। एक गवर्नेंस का बनाओ, तो फिर पहले तो उसका टॉपिक का नाम ही क्लियर हो गया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो जब हम गुड गवर्नेंस के ऊपर लिखने की बात करेंगे ना, तो अपने आप आ जाएगा कि गवर्नेंस में हम क्या लिखना चाहते थे। या फिर ई गवर्नेंस की बात करेंगे, ई शासन, तो गवर्नेंस का मतलब शासन। तो पहला तो है पॉलिटी, दूसरा है गवर्नेंस, तीसरा है स्टेट। स्टेट वर्ड बार बार आएगा, तो जो लोग अभी पॉलिटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर वो विज्ञान के हैं तो वो वहां पर लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, सॉलिड स्टेट, क्योंकि स्पेलिंग तो वही है, स्टेट की बात हो रही है। कोई स्टेट की बात कर रहा है तो बोल रहा नहीं मध्य प्रदेश स्टेट, तो क्या ये भी स्टेट है, तो फिर वो स्टेट कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिखा है, नहीं वो स्टेट ये स्टेट नहीं है, ना ही वो विज्ञान वाला लिक्विड सॉलिड वाला है,
वो स्टेट है अथॉरिटी एक तरह से, गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टेट। अब उस स्टेट के क्या गुण होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, तो एक एक का आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक एक को आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, एक एक के ऊपर बात करना आना चाहिए। एक शब्द बार बार आता है स्टेट, पहले तो आ गया पॉलिटी, देन आ गया गवर्नमेंट, देन स्टेट, फिर आइए लॉ। लॉ शब्द बार बार आएगा, बार बार आएगा कि लॉ क्या है, लॉ क्या चीज है, ठीक है। तो लॉ का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए कि लॉ क्या होता है, कानून। तो जब तक आप बेसिक चीजें हमारे नोट्स में जाके देखोगे तो उसमें बेसिक चीजें आपको दिखाई देंगी। यहां से कंसेप्ट क्लियर करें, एनसीईआरटी में भी जाकर के देखिए, वहां जहां जहां दे रखा है उसको करें। तो जो भी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हो इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझें। किसी भी जगह के स्टेट होने के लिए एक ज्योग्राफी होना बहुत जरूरी है, एरिया होना बहुत जरूरी है। विदाउट ज्योग्राफिकल एरिया के कोई भी स्टेट नहीं हो सकता। दूसरी चीज, वहां पे पॉपुलेशन होना भी बहुत जरूरी है। स्टेट होने के लिए पॉपुलेशन होना भी बहुत जरूरी, एरिया होना भी बहुत जरूरी। तीसरी चीज, वहां पर गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी। अगर पॉपुलेशन आ गई, एरिया आ गया, उस एरिया में पॉपुलेशन भी, क्योंकि अंटार्कटिका में तो पॉपुलेशन नहीं है लेकिन एरिया तो है, इसलिए वो स्टेट नहीं है। अंटार्कटिका स्टेट नहीं है, कंट्री नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं मानते कंट्री उसको, इसलिए नहीं मानते क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन उस तरह से नहीं है। विजिटर्स जाते हैं ना, एक तरह से घूमने वाले जाते हैं, या फिर रिसर्चर्स जाते हैं। नो मैन्स लैंड है बहुत सारी जगह, तो गवर्नमेंट भी होना जरूरी है, देन उसका सोवरेन होना भी बहुत जरूरी है, सोवरेनिटी भी होना चाहिए। और दूसरा, वो पावर कहां से लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन है या मोनार्की है या कुछ तो है, कहां से आती है उसमें पावर। तो गवर्नमेंट भी हो, एरिया भी हो, सोवरेन भी हो, पॉपुलेशन भी रहती हो, नहीं तो गवर्न किसको करेंगे। सरकार तो होगी लेकिन किसके ऊपर सरकार है, सिटीजन्स भी तो हो, नागरिक भी हो, तब जाकर के स्टेट आता है। इसलिए पहली बार जब मार्स पे कोई जाएंगे और एलन मस्क जो है वहां ले जाएगा, मान ले जाए और बस्ती भी बना दी और वहां मर्डर हो गया, तो उसकी टेरिटरी कौन से थाने में रिपोर्ट होगी। यहाँ तो थोड़े से भी लड़ने लग जाते हैं कि बोले नहीं ये एमपी नगर का है, ये नहीं ये शाहपुरा का है, ये उसका है, ये हमारे उसमें नहीं आता ज्यूरिसडिक्शन में, इसकी एफआईआर वो करेगा, वहां जाके कराओ, उसमें ही झगड़ा हो जाता। तो फिर ज्यूरिसडिक्शन भी आएगा, ज्यूरिसडिक्शन के लिए आपको वहां पर, तो वहां पर आप किस स्टेट, तो वो फिर अंटार्कटिका की तरह चीजें चलेंगी भी। तो अंटार्कटिका में यदि क्राइम होगा तो फिर कौन दर्ज करेगा, ऑस्ट्रेलिया दर्ज करेगा या नियरेस्ट वाला है न्यूजीलैंड दर्ज करेगा या और कोई उधर साउथ अमेरिका वाला दर्ज करेगा, किस थाने में दर्ज होगा वो क्राइम, आया समझ। खैर ये तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस तरह से सोचना शुरू करो कि स्टेट है क्या, लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ। लॉ की डेफिनेशन बड़ी रहस्यमय डेफिनेशन, कई सारी चीजें हैं, जैसे फिजिक्स में हम लोग इनर्शिया वगैरह की डेफिनेशन दे ही नहीं पाते, ठीक से नहीं दे पाते, बिल्कुल सेटिस्फाई कर ही नहीं पाते हो आप किसी को उसमें। वो कोई भी एक डिबेट, कोई भी आर्ग्यू करने वाला आएगा और कहेगा अच्छा तो फिर अगर ये है तो फिर ऐसा हो जाए तो फिर बताओ, फिर आदमी चुप हो जाते, हाँ ये तो हमने नहीं सोचा। इसलिए फिर वो आइंस्टीन काम आता है और हर जगह ग्रेविटी से लेकर के हर चीज के लिए उसको पकड़ के लाते हैं, और उसका रिलेटिविटी हर जगह पे इमरजेंसी में काम आता है। सापेक्षता का सिद्धांत एक इमरजेंसी का वो काम आने वाला सिद्धांत है, उसको हर जगह लगा देता है आदमी। दरअसल ये इसके सापेक्ष है, हम सापेक्ष बात कर रहे हैं, इसके रिलेटिविटी में बात हो रही है। अच्छा मतलब ऐसे बोलो ना, तो फिर है ना, तो आप पढ़िए ना टाओ ऑफ फिजिक्स, टाओ ऑफ फिजिक्स पढ़िए,
या जो बार बार नए नए जो पार्टिकल फिजिक्स में जाएंगे तो पार्टिकल फिजिक्स जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं, नए नए पार्टिकल आ रहे हैं। एक समय था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही सब कुछ था, और पूरा वो बता देता था कि ये तीन से बना हुआ है। अब बोलता नहीं उसके अंदर ये है, 6 महीने बाद आता है, नहीं उसके अंदर भी ये है। उसके 6 महीने बाद एक और आ जाता है, बोले नहीं इससे तो फिर पूरा ही चेंज हो गया। तो फिर अभी तक तो क्लियर तो कुछ है नहीं ना कि सबसे लियोन है या क्या है। एक समय तो हम हिग्स बोसोन और वो सब आए थे तो ऐसा लगा था कि ये गॉड पार्टिकल, उसका नाम दे दिया था गॉड पार्टिकल, उसका नाम ही रख दिया था गॉड पार्टिकल, मतलब भगवान ही मिल गए। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति का रहस्य हमको समझ में आ गया। नहीं, ये सापेक्ष है, आपके ज्ञान के सापेक्ष। इसलिए कई बार आपके सामने हिंसा हो रही। पुराने समय में आपने सुना होगा कि गांव में यदि कोई मर जाता था तो पूरे गांव में कोई भी खाना नहीं बनाता था, कहीं पर भी चूल्हा नहीं जलता था। बहुत छोटे बच्चे होते थे तो उनके लिए दूध या कुछ बना दिया जाता था, लेकिन बड़े लोग खाना नहीं खाते थे क्योंकि आज गांव में कोई मर गया और गांव 1000 परिवार रहते हैं तो भी 1000 परिवारों में चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन आज तो जलता है। तो आज लोगों ने मौत को सापेक्षता के हिसाब से दूसरे तरह से ले लिया ना, निरपेक्ष हो गए, मौत से निरपेक्ष हो गए। धर्म निरपेक्ष होते होते मौत से मृत्यु निरपेक्ष हो गए। पहले वो मृत्यु के सापेक्ष थे, तो जमाना बदलते देर नहीं लगती। अभी आप जिस कंडीशन में हो, जिस तरह से हो सकता है कि दूसरी अवस्था में दूसरी तरह से हो। इसीलिए आज से 20 साल पहले जिस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती, आज सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से बोलता है कि नहीं LGBT वाला सेक्शन 3, हाँ तो वो तो बोलता है कि अलाउ है। कल एबॉर्शन के बारे में बोल रहा था कि एबॉर्शन अलाउ, जबकि एक समय में उसको कहा जा रहा था कि पाप है। यहां तक कि अमेरिका में ज्यादा रिजिड है, अभी जो चेंज किया है उसने, हमने रो वर्सेस वेड जो वाला जो आया अमेरिका में, रो वर्सेस वेड वाले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने वहां के फैसला जो दिया था वो रो के फेवर में दिया था। रो एक काल्पनिक नाम, कानूनी नाम है। वो वहां के अटॉर्नी थे हेनरी रो, हेनरी वेड, टेक्सास के। तो रो जो रहने वाली थी वो टेक्सास के रहने वाली थी, उसके पास 2 बच्चे थे, वो तीसरा बच्चा वो नहीं चाहते थे, तो वो एबॉर्शन कराना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि एबॉर्शन तो आप नहीं करा सकते। तो जो हेनरी वेड थे अटॉर्नी वहां के, अटॉर्नी जनरल टेक्सास के, उनके अगेंस्ट जो है लोकल कोर्ट में दिया गया। और जब पूरी तरह से क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ तो रो जो है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो नियम है हमारे यहां से, उसके तहत एबॉर्शन जो है वो महिला का शरीर, उसके शरीर पर उसका अधिकार है, और ये राइट टू प्रिवेसी है, और ये अभिन्न अंग है मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का अभिन्न अंग है। तो ये तो फंडामेंटल राइट हुआ, और ये तो महिला का अधिकार है अपने शरीर पे कि वो निर्णय करेगी कि उसे बच्चे को आगे ले जाना है कि नहीं, ये उसी का निर्णय होगा। तो अभी 22 जून को, ये जो 22 जून गया है 2022 का, तो ट्रंप ने क्या किया था कि जो वहां का स्ट्रक्चर था जजेस का, उसमें 3 जजेस उसने जो है कंजर्वेटिव वाले डाल दिया, रिपब्लिकन वाले। रिपब्लिकन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, और उसमें से एक जज तो चिल्ला चिल्ला कर बोलता भी फिरता है कि मैं सब बदल दूंगा, अब ये जो है LGBT वाला भी, ये वो तमाम जो चीजें, गन लॉ भी। और डेमोक्रेट्स जो है वो लिबरल माने जाते हैं, तो जो कंजर्वेटिव है वो बोलते हैं कि नहीं, चूंकि जैसे ही स्पर्म और ओवम मिलता है और कंसेप्शन होता है, तो वैसे ही कंसीव होने के साथ ही
गर्भ की स्थापना हो जाती है, इसका मतलब उसमें जीवन आ जाता है। और गॉड ने जो है उसमें जीवन डाल दिया है। तो अब जीवन का हनन करना तो मतलब ये जीव हत्या जैसा है। तो ये मुर्गी की टांग चबाते हुए वो बोलते हैं, विचार करते हैं। तो वो जीव हत्या, जबकि एबॉर्शन के जो फेवर में बात करते हैं डेमोक्रेट्स, वो ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी के कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस है, मिसकैरेज है, एम्ब्रियो का यूट्रस के बाहर डेवलप हो जाना है, और कई प्रकार के हिमेटोलॉजी से संबंधित चीजें हैं जिसमें आयरन की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, और उसमें प्रेगनेंसी सेफ नहीं होगी और उसकी महिला की डेथ हो जाएगी, उसकी चांस बहुत ज्यादा है, या डिफॉर्म्ड चाइल्ड है, बच्चे का टेरेटोजेनेसिस हो गया है, बच्चा कुरूप है, और डॉक्टर ने प्रीनेटल डायग्नोसिस से बता दिया है कि बच्चा जो है 18-20 साल से या 10 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, तो ऐसे बच्चे को जन्म देने से क्या फायदा। तो डिफॉर्म्ड बेबीज की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में उसको ये सुविधा दी जाती है महिला को कि वो अपने बच्चे को एबॉर्ट करा ले। तो एबॉर्शन की सुविधा जो है महिला के स्वास्थ्य को देखते हुए, तो अभी भारत सरकार ने कहा है कि 20 सप्ताह का तो हम सभी को देते हैं, भारत में कोई भी हो 20 सप्ताह के पहले पहले तो कोई भी एबॉर्शन करा सकता है, लेकिन 24 सप्ताह तक की सुविधा हम उन लोगों को देंगे जो कि बिल्कुल ही, जहां पर आपको सर्टिफिकेट देना होगा, सर्टिफिकेट तो अभी भी देना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ ये कह रहा है और एक तरफ पीएनडीटी लगा हुआ है, जिसमें अगर भ्रूण लिंग परीक्षण हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हो गया, और अब आप चूंकि कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं, फीमेल फेटिसाइड, वो कन्या भ्रूण है इसलिए हत्या करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग हत्या बोलते हैं, फीमेल फेटिसाइड बोलते हैं। तो कॉन्ट्रोवर्शियल है, 2-3 कॉन्ट्रोवर्सी है इसके अंदर भारत वाले में भी, लेकिन अभी हम अमरीका से आगे निकल गए। अमरीका वाले ने, ट्रंप ने जो जजेस बिठाए थे उन्होंने उसको चेंज कर दिया, अभी 22 जून को उन्होंने कहा, बोले ये हम नहीं होने देंगे, और अपना अपना स्टेट अपना अपना कानून बनाया, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है, और अब आप ऐसे एबॉर्शन नहीं करा पाए। तो अमरीका में तो बहुत महंगा हो गया, अगर कोई एबॉर्शन चाहती है महिला और वो गरीब है तो उसको दूसरे स्टेट में जहां परमिशन, तो 8 राज्यों ने तो पूरी तरह से बैन कर दिया अभी तत्काल, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 22 जून को बोला उसके बाद 8 स्टेट आए और उन्होंने कहा हम तो बैन करते हैं, पूरी तरह से बैन करते हैं, हमारे यहां तो बिल्कुल होगा ही नहीं। बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में मेडिकल प्रैक्टिशनर की देखरेख में जब वो सर्टिफिकेट देगा कि इसकी जान को खतरा है, तब जाकर के उसका एबॉर्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। और ये तो पूरी दुनिया में है, लगभग 5% महिलाएं पूरी दुनिया में ऐसे कंट्रीज में, ऐसे ज्यूरिसडिक्शन में रहती हैं जहां पूरी तरह से 100% बैन है, केवल वो क्रिटिकल कंडीशन वाले को छोड़ के 5% महिलाएं रहती है। 36% महिलाएं ऐसी जगह पर रहती है जहां 20 वीक वाला एबॉर्शन अलाउ है, यानी बिल्कुल भी बैन नहीं है। 36% ऐसे रीजन में रहती हैं, बाकी की महिलाएं ऐसे रीजन में रहती हैं जहां बैन है भी नहीं भी, और कुछ सप्ताह तक है और ऐसे है और सिलेक्टिव है। अब उनमें जो गरीब महिला है उनको दिक्कत आती है, अगर उनको बच्चा नहीं चाहिए तो उनको बहुत दूर तक सफर करना पड़ता है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, और या फिर डॉक्टरों से उनसे अवैध रूप से करवाना पड़ता है। इलीगल तरीके से करवाएंगे तो वो हॉस्पिटलाइज नहीं करते, वो जैसे तैसे एबॉर्शन करके घर छोड़ देते हैं, बाद में डेथ हो जाती है क्योंकि उसकी केयर नहीं हो पाती महिला की। और फिर कई बार अनजान लोग करते हैं या फिर नर्सिंग करने वाले लोग ही कर देते हैं, डॉक्टर नहीं करता कानून के डर से। कानून ऐसे बने हुए हैं कि डॉक्टर अगर किसी महिला की जान का खतरा भी है, और अगर मान लिया जाए उसने कह भी दिया कि सर्टिफिकेट दे दिया कि इसकी जान को खतरा है, तो पुलिस विश्वास नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग आएंगे बोलेंगे नहीं तुमने पैसे के लिए किया, ये सर्टिफिकेट भी जारी तुमने इसलिए किया, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाएगा ना, डॉक्टर प्रूव नहीं कर पाएगा कि इसकी जान को खतरा था या नहीं था।
क्योंकि पुलिस जो आएगी या जो कंप्लायंस करने के लिए जो अथॉरिटीज है एग्जीक्यूट करने वाली, वो तो अभी इतना नॉलेज अच्छा निबंध तैयार हो जाएगा आपके लिए, लॉन्ग आंसर जो बड़ा एबॉर्शन के ऊपर। तो ये है तो गर्भपात कानून भारत में और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये कानून कहां कहां पर कैसे हैं, उनकी क्या स्थिति है, भारत में कैसी है और इसकी तुलना अमेरिका से। तो अभी हम अमेरिका से आगे हैं और भारत में 18 साल से कम लड़की को भी अनुमति दी गई कि अगर वो विवाहित है और उसकी, तो इसका मतलब तो आप बाल विवाह को, चाइल्ड मैरिज को लीगलाइज कर रहे हो। देखिए कंट्रोवर्सी में एंटागोनिस्टिक चीजें आती हैं, आप कहोगे कि इसका मतलब आप सरकार मान के चल रही है कि 18 साल से छोटी लड़कियों की शादी होती है और बाद में वो एबॉर्शन करा सकती हैं, क्योंकि आप तो शादीशुदा महिला मैरिड बोल रहे हो, तो क्या सरकार ने अलाउ कर दिया 18 साल से कम वाले, जबकि आप तो 21 साल कर रहे हो, उसमें उसको नाबालिग बोलते हुए उसको मान रहे हो कि 18 साल से कम में शादी हुई और वो अगर वो एबॉर्शन के लिए जाती है तो उसको करना पड़ेगा वो, क्योंकि उसको इजाजत देनी पड़ेगी, यानी डॉक्टर उसको करे। बात यह है कि कानून जो होता है वही सापेक्षता का सिद्धांत, कानून ये कहता है कि 18 साल से कम की शादी तो हम नहीं रोक पाए, ये तो स्टेट का फेल्योर है, लेकिन उसकी वजह से अगर उसकी मौत हो गई 18 साल से लड़की कम की लड़की की, तो ये तो दूसरा फेल्योर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही? तो कम से कम उसकी जान तो बचाए भैया, आप 18 साल से कम में शादी क्यों नहीं होने देना चाहते? इसलिए तो नहीं होने देना चाहते क्योंकि वो अच्छी मां नहीं बन पाएगी, स्वस्थ मां नहीं रह पाएगी, तो हम उसी को तो रोक रहे हैं। तो कानून में इस तरह से सोचा जाता है, वेलफेयर के हिसाब से सोचा जाता है। तो कुछ कानून के एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको बता दिया, तो इसको इसको एक बनाइएगा, बड़ा प्रश्न बनाइएगा कि भारत में एबॉर्शन लॉज की स्थिति किस प्रकार के, गर्भपात कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उसके ऊपर क्या टिप्पणी दी है, और दूसरी स्थिति कि दुनिया के देशों में, अलग अलग देशों में गर्भपात कानून किस प्रकार के हैं, और खास करके अमेरिका यूएसए के साथ उसकी तुलना। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 90 जो फैसला बदला 73 वाला, वो ये कहकर के बदल दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये जो चीजें दी हुई है ये हमारे पहले नहीं थी, यानी कि हमारी हिस्टोरिकल उससे नहीं आती, हिस्ट्री से नहीं आती। तो अमेरिका की हिस्ट्री तो खुद ही 200-250 साल की, तो उस समय में तो बहुत सारी चीजें नहीं थी। आपको आना पड़ा है। तो अमेरिका की हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें नहीं थी, यहां तक कि 200-250 साल पहले तो कलर के आधार पर रंग भेद होता था और काले लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता था। आपने ठीक किया ना, बहुत सारी चीजें आपने ठीक की तो सब बेकार हो जाएंगी। तो उन्होंने ये हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि चूंकि ये अमेरिका के इतिहास में गर्भपात को कभी भी अलाउ नहीं किया गया और इस तरह से खुली छूट नहीं दी गई और उसको मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया, फंडामेंटल राइट नहीं माना गया, ये महिलाओं का ऐसा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसा नहीं है। तो इतिहास की बात करेंगे तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। भारत में तो सती प्रथा को भी लीगल कर दो, क्योंकि हमारे तो इतिहास में लीगल थी, गुप्त काल से चली आ रही थी। तो भारत का इतिहास देखेंगे तो फिर तो सती प्रथा जो है वो उचित हो जाएगी ना। तो फिर राजा राम मोहन राय ने तो फालतू लड़ाई लड़ी। तो रिफॉर्म्स जो होते हैं वो तो रिफॉर्म्स तो बाद में होते हैं ना। तो ये फर्क पड़ा कंजर्वेटिव जज के आने से। ट्रंप ने ये किया था तो उसने, राइटर ने इकोनॉमिक्स मैगजीन ने दिया है ये, तो इकोनॉमिक्स मैगजीन ने जो है उसको सजेस्ट भी किया बाइडेन को कि कहीं तुम ऐसा ना हो कि लिबरल जजेस ले आओ छे और तुम बढ़ा दो संख्या, कि टोटल जजेस जो अभी 12 हैं तो मान लिया जाए उसको हम 18 कर दें, फिर बाद में वो 24 कर देगा, ये ऐसे ऐसा मत करने लग जाना, ऐसे तो फिर ये श्रृंखला चल जाएगी, ऐसी गलती मत करना।
दरअसल जजेज और कानून बना करके समाज की व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जाती, बल्कि समाज ही खुद अपनी व्यवस्थाओं को सुधारता है। तो ये अधिकार उन्हीं के पास होना चाहिए, समाज ही उसको खुद खुद ठीक करे। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो भी लॉ है। तो लॉ क्या क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में इटसेल्फ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ना। तो संसद जो कानून बनाता है, स्टेट्यूट जो स्टेट्यूट करते हैं वो लॉ है। सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट जो डिसीजन देता है वो लॉ है। लॉ कौन है? बात समझ में आ रही है? ये है, ऐसे एक कानून का उदाहरण हमने अभी आपके सामने दिया। तो लॉ को, तो लॉ के ऊपर भी लिखिए जरा, थोड़ा सा जरूर लिखिए लॉ के ऊपर कि कानून क्या क्या है, ज्यूरिसप्रूडेंस क्या होता है, ज्यूरिसप्रूडेंस, व्हाट इज ज्यूरिसप्रूडेंस, व्हाट इज लॉ। लॉ लिखने के लिए पांच छह चीजें लिख लीजिए। पहला, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लॉ क्या होते हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है लॉ का? रूल्स एंड रेगुलेशंस मींस रेगुलेशंस, नियंत्रण। फर्स्ट, सेकंड होता है लॉ रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, रिकॉग्निशन। लॉ में रिकॉग्निशन होता है, एक पहचान होती है, रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्नाइज करता है। फिर आएगा कि जो लॉ होते हैं जो रिकॉग्नाइज भी हो गए, ये एनफोर्सिबल होते हैं, यानी इनका पालन कराया जा सकता है। लॉ का पालन कौन कराएगा? ऑथोरिटी, हेलमेट लगाना, ये क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाई जा सके। तो लॉ बन गया, एक पहचान भी हो गई कि ये कानून है। मोटर यान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम एक्ट के तहत होता है, इनेक्टमेंट होता है इसका, एक्ट के तौर पर इसका रिकॉग्निशन दिया जाता है। तो कहां से होता है? पार्लियामेंट से होता है या फिर विधानसभा से होता है। फिर एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, इनफोर्सिएबल एग्जीक्यूशन मींस, इनफोर्सिएबल मतलब एग्जीक्यूशन कराया जाता है। एंड लास्ट लिखिएगा पनिशमेंट, लॉ में पनिशमेंट भी होता है, पनिश किया जाता है या फिर सैंक्शंस लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। लॉ का रिजल्ट क्या होता है? एनफोर्सिबल जब हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे? उसको लागू करते हैं, और लॉ जब लागू हो जाएगा तो दंड मिलेगा या फिर प्रतिबंध लगेंगे। अभी आप लॉकडाउन में प्रतिबंध थे ना, आपके ऊपर दंड तो नहीं मिला था, उसको प्रतिबंध कहेंगे, सैंक्शंस है एक तरह से, जैसे रशिया पे सैंक्शंस लग गए इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा लॉ समझ में आएगा कि व्हाट इज लॉ, कानून। थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लें, सिंपल, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एक क्लासिफिकेशन तो आपने देखा होगा ना। एक पब्लिक लॉ होते हैं, प्राइवेट लॉ होते हैं। तो पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, और इस तरह से देख सकते हैं। तो कई तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है यही वाला, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल। ये मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह पर आप केसेस पढ़ोगे तो वहां वर्सेस स्टेट लिखा रहता है, स्टेट वर्सेस स्टेट, और कई जगह पर दो लोगों के नाम लिखे रहते। जनरली दो लोगों के नाम जहां लिखे हुए हैं वो सब सिविल लॉ है, जहां दो लोगों के नाम लिखे हुए हैं और स्टेट बीच में नहीं है वो क्या है?
स्पेशली सिविल लॉ है, बिकॉज जो सिविल लॉ है वो इंडिविजुअल को मिलेगा। किसको मिले हुए हैं? इंडिविजुअल को। और सिविल लॉ एक तरह से आपको संरक्षण देते हैं प्रॉपर्टी में, जैसे कि कोई हार्म करता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, तो प्रॉपर्टी में जो नुकसान जितना भी पहुंचाया जाता है वो सिविल लॉ में आता है, सिविल नेचर का। आप बोलते हैं ना सिविल एडवोकेट है, क्रिमिनल के एडवोकेट है, तो थोड़ा समझ ले बेसिक चीजें समझ। सिविल में जब कभी भी आप केस दर्ज कराएंगे तो उसके ऊपर जिस पे आरोप लगता है उसको एक्यूज्ड लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? एक्यूज्ड, आरोपी, खास करके उसको आरोपी बताते हैं, एक्यूज्ड। ये यूं कहें कि और जो पीड़ित होता है विक्टिम, वो जो सफर कर रहा है उसको क्या लिखते हैं? विक्टिम, इसने इसके साथ ये नुकसान किया। लेकिन अगर उसने मार दिया, पीट दिया, तो एकदम से आईपीसी आ जाएगा बीच में। अब सिविल नेचर का लॉ नहीं रहा तो सीपीसी नहीं रहेगा, सिविल प्रोसीजर कोड नहीं लगेगा, सीआरपीसी लगेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगेगा, एकदम पुलिस बीच में आ जाएगी और स्टेट बीच में आ जाएगी। तो प्रोसिक्यूशन कौन करवाएगा? तो प्रोसिक्यूशन करने वाला जो होगा ऑफेंडर जिसको बोलेंगे वो हो जाएगा स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, अगर मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश राज्य, क्योंकि पुलिस किसका विषय है? राज्य का विषय है, तो मध्य प्रदेश स्टेट आ जाएगा ऑफेंडर। प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर रहा है, कोर्ट में लेके जा रहा है बात, और वो डिफेंडर हो जाएगा, वो डिफेंड करेगा। वादी और प्रतिवादी, हिंदी में बोलते हैं वादी और प्रतिवादी, तो यहां वादी कौन हो जाएगी? गवर्नमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट ले जाएगी उसको ऊपर, अपील भी गवर्नमेंट ही करती है। केस अगर पुलिस के माध्यम से अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो फिर गवर्नमेंट आ चुकी है, अब आपको वकील नहीं करना है, गवर्नमेंट का वकील आपकी तरफ से लड़ेगा। एफआईआर होने के बाद आपको एडवोकेट नहीं करना पड़ता, एडवोकेट किसको करना पड़ता है? जिसके अगेंस्ट एफआईआर हुई है उसको एडवोकेट करना पड़ता है, एडवोकेट उसको करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर सरकारी एडवोकेट आपको लगता है कि बिका हुआ है और सामने वाले से मिला हुआ है तो फिर अपना एडवोकेट आप पैसे देके खड़ा कर सकते हैं, आपको मना नहीं किया जाएगा। और इस बीच में केस का रिजल्ट यदि आपके खिलाफ आया है तो आप जाकर के कलेक्टर को उसकी कॉपी देंगे, सर इसकी अपील करवाइए, आप हार गए, क्योंकि राज्य हार गया है, पुलिस हार गई, तब एसपी नहीं करेगा, एक तरह से प्रशासन बीच में आ जाएगा, कलेक्टर के माध्यम से एक तरह से अपील जाएगी। देखा जाए तो पुलिस की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस आ रही है, पुलिस ने एफआईआर में कमियां छोड़ी है, तो समझ रहे हैं ना प्रक्रिया। हाँ, इंटरव्यू में भी काम आया जाए सब चीजें। तो कानून को थोड़ा सा, ये मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल बेसिक समझ है, ये कोई एकदम आपको वकील नहीं बनाया जा रहा, बहुत ही बेसिक समझ ये होना चाहिए। ये अगर आपको नहीं पता तो फिर आप अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी तो लॉ है ना, लॉ ही पढ़ने जा रहे हो आप, सबसे बेसिक लॉ है वो, बेसिक डॉक्यूमेंट है लॉ का, जो हर चीज वहां जाकर के अटकती है वहीं जाकर के तो टिकेगी वो, कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो तो आधार है कॉन्स्टिट्यूशन, तो सभी प्रकार के कानूनों का आधार है, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल एकदम मदर है वो, ठीक है। तो जो अपील होती है वो भी शासन ही करता है, सरकार अपील करती है, इसलिए जब सलमान खान केस जीत गया, मतलब वहां की कोर्ट हार गई, यानी वहां की पुलिस हार गई जोधपुर की, वो वाले हिरण वाले मामले में, तो राजस्थान सरकार ने तय किया कि अब हम हाई कोर्ट में अगर ये हो गया तो अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे, क्योंकि अपील पुलिस के माध्यम से, मतलब पुलिस जो है वो एफआईआर लिखी थी, पुलिस ने एफआईआर लिखी थी हिरण को मारने वाली, काले हिरण को मारने वाली एफआईआर पुलिस ने लिखी थी, मतलब शासन आ चुका है। तो जब कभी भी
पब्लिक के अगेंस्ट कुछ होता है, आपके शरीर पे कुछ होता है, और एफआईआर दर्ज होती है, इसका मतलब पब्लिक के अगेंस्ट हुआ है, प्राइवेट नहीं होता वो। आप प्राइवेट नहीं हो, आप पब्लिक हो। आपको यदि किसी ने चाकू मारा है, आपको यदि किसी ने मामूली कहा सुनी हुई और लेन देन का मामला है, 2000 रुपए आपने किसी से लिए थे और वो मांग रहा है, आपने उसको गाली दी, उसने आपको गाली दी, ये सिविल नेचर है। जान से मारने की धमकी आएगी जैसे ही, वो क्रिमिनल नेचर हो जाएगा, वो पब्लिक हो जाओगे आप, प्राइवेट से पब्लिक हो जाओगे, तो फिर एफआईआर दर्ज होगी। उसकी एफआईआर नहीं होती, सिविल नेचर की एफआईआर नहीं होती, उसके लिए कोर्ट में आपको सूट, सिविल सूट दायर करना पड़ता। अगर 10,000 का मामला है तो 1,000 रुपए 10% जमा करना पड़ेगा, रसीद कटवानी पड़ेगी। 10 लाख का मामला है तो 1,00,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे और वो सिविल सूट फाइल होगा। आ रहा समझ में? लेकिन शरीर बीच में आ गया, यहां तक कि अवमानना, डिफेमेशन, ये भी आईपीसी है। जब भी आईपीसी बीच में आएगा, एट्रोसिटी एक्ट बीच में आएगा, महिलाओं के ऑफेंस वाला आ गया, ठीक है, और पॉक्सो आ गया, सेक्सुअल ऑफेंस वाला आ गया, किडनैपिंग आ गया, चोरी आ गया, ये सब आईपीसी शुरू हो जाएगा और सीआरपीसी के माध्यम से प्रक्रियाएं होंगी। इंडियन एविडेंस एक्ट जुड़ जाएगा, एविडेंस लगेंगे, विटनेस एक्ट लग जाएगा, विटनेस गवाह वो जुड़ जाएगा, और सीआरपीसी के माध्यम से कौन सा अधिकारी कितने दिन में जांच करेगा, कब प्रतिवेदन देगा, कोर्ट में कैसे पेश होगा, कोर्ट में किस अधिकारी, कौन अधिकारी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे जांच करेगा, फिर कोर्ट की कार्रवाई में पहला संबंध कैसे जाएगा, उसकी कार्रवाई क्या होगी, ये सब सीआरपीसी कहलाती है। आईपीसी में अपराध का ब्यौरा होता है कि किस अपराध के लिए कौन सी धारा लगेगी और कितनी सजा हो सकती है, उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड आईपीसी। आईपीसी में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती, आईपीसी सिर्फ आपको ये बताती है कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंडर में ये डेफिनेशन है इस क्राइम की। दो या दो से अधिक लोग मिलकर के जाएंगे तो उसको डाका बोलेंगे, यानी चोरी और डाका में क्या अंतर है, डकैती में क्या अंतर है? हाँ, अभी रुक जाइए, अभी ये थोड़ा वो नहीं कर पाएंगे, मैं हिल जाऊंगा, ठीक है, अभी बातचीत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन किसमें मिलेगा, आईपीसी, और फिर सजा कितनी मिलेगी उसके तहत अगर ये क्राइम हुआ है तो। सीआरपीसी क्या बताता है, प्रोसीजर, कि अब इसके तरफ जो एग्जीक्यूशन होगा, ये पकड़े जाएंगे तो कैसे, और यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, कितने ऑफिसर होंगे, कौन होगा, किस स्तर का ऑफिसर किसकी जांच करेगा, सम्मन कैसे दिए जाएंगे, एफआईआर की आगे की प्रोसीजर क्या होगी, फाइल कैसे बनेगी जो कोर्ट में जमा होगी बकायदा, तो उसमें कितना समय मिलेगा। तो सामान्यतः 40 से 60 दिन का समय, किसी में 30 दिन, अलग अलग कि उसमें, लेकिन सामान्यतः 60 दिन का रहता, 90 दिन का भी रहता है किसी किसी में, 3 महीने का समय भी रहता है, तो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होगी। और फिर कोर्ट कैसे काम करेगा उसका भी उसमें काफी कुछ है, तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहते। अभी जैसे मोबाइल के साक्ष्य बहुत आने लगे हैं, किसने मुझे धमकी दी, 2 बार फोन किया और फोन पे इसने ये किया, उसने क्लिपिंग लगा दी। अब मोबाइल तो उस जमाने में होते नहीं थे, अब सीआरपीसी में सब संशोधन करना पड़े, फोन टेपन होने लगे तो उसके संशोधन होना लगे। तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी, बहुत सारी चीजें, मेटावर्स का आएगा तो मेटावर्स का हवाला अगर जाएगा तो मेटावर्स की वजह से सीआरपीसी में फिर संशोधन होंगे। जैसे गेम खेलते हुए वो गेम में किसी को मार रहा था और अचानक वही वाला छुरा लेकर के वाकई में उसने असली छुरा उठा लिया, फिर सामने जो भी मिला उसको मार रहा हो, तो वो तो अभी उसी में, उसने वो भी लगा रखा है, गॉगल भी लगा रखा है, और वो उसी दुनिया में अभी, कैसे में फांसी चढ़ा देंगे उसको। अब सीआरपीसी फिर चेंज हो जाएगा कि कोई वर्चुअल रियलिटी में है, और वर्चुअल रियलिटी में या मिक्स्ड रियलिटी में जाकर के अगर वो किसी की हत्या कर देता है
तो ये तो क्राइम उस तरह का क्राइम नहीं हुआ ना कि उसको फांसी चढ़ा दें, तो फिर क्या 20 साल की सजा दे दें? नहीं, उसकी फिर एक नई सजा बनानी पड़ेगी आपको, नए अभी बहुत सारे झंझट आने वाले हैं। तो डायनेमिक है, जैसे जैसे समाज बदलेगा, समाज की आदतें बदलेगी, उसमें चीजें आएंगी, उसमें टेक्नोलॉजी आएगी, उस हिसाब से क्राइम का स्वरूप भी बदलेगा। पहले जो है लड़कियां सोशल मीडिया पे नहीं होती थी, अब लड़कियां सोशल मीडिया पे बहुत आसानी से हैं, और उन्होंने फोटो चेंज कर दिया, चेहरा दूसरे का लगा दिया, ये कर दिया, उसको पोस्ट कर दिया, और ये बदनाम करने की साजिश है, तो ये क्या डिफेमेशन है या सेक्सुअल ऑफेंस है? अब ये किस श्रेणी में आएगा? तो अभी तो हम लोग उसको आईटी एक्ट के तहत ही लेते हैं, लेकिन उसमें तो मामूली धारा है, जबकि एक का तो करियर बर्बाद हो गया, बल्कि उसने फांसी लगा ली। अब ऐसे में उसने सुसाइड कर लिया तो इसको अब कौन सी धारा लगेगी? तो पूरा चेंज हो जाएगा सिनेरियो, तो बड़ा डायनेमिक है। तो समाज जैसे जैसे बदल रहा है, विज्ञान तकनीक जैसे जैसे बदल रही है, उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, उसका प्रभाव कानून पर पड़ेगा। तो कानून आपको बदलने पड़ेंगे। संसद में सांसद जो है सब समझदार होना चाहिए, उनको ये सब चीजें पता होना चाहिए, सांसदों जितनी मैं बात कर रहा हूं, कानून की परिभाषाएं भी पता होना चाहिए, कानून कितना डायनेमिक है ये भी पता होना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी किस गति से बदल रही है ये भी पता होना चाहिए, तब जाकर के तो वोट कर पाएंगे, उसकी गंभीरता पे होगा, ठीक है ना? ये है, तो डेमोक्रेसी में ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो स्वरूप को समझिएगा, तो कानून खास करके, तो क्रिमिनल लॉ, ठीक है, सिविल लॉ है, क्रिमिनल। तो आप जो डील करेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस में आती है? जब दंगे हो जाते हैं, और वो आप लोगों की ड्यूटी लगेगी, आप सिविल सर्विसेज में जो लोग जाते हैं, कलेक्टर और एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ना, डीएम कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तो ये तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, और वो लॉ एंड ऑर्डर देखता है, क्रिमिनल। पब्लिक, पब्लिक ऑर्डर को संभाल रहे हैं ना, पब्लिक ऑर्डर, लोक शांति, शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, उसके लिए बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, ठीक है। तो इमरजेंसी जब पहली बार कॉल हुई थी, तब इंदिरा गांधी ने किस आधार पर लगे थे कि लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो संशोधन करके क्या किया उसको, आर्म रिवेलियन, सशस्त्र विद्रोह जब तक नहीं हो जाए। आंतरिक अशांति क्या होती है? इंटरनल डिस्टर्बेंस तो आप किसी को भी कह दोगे कि ये तो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया। किसी आदमी को आप संपत्ति से वंचित कर रहे, और पिता जो है वो उसको कोई काम बताते हैं, और वो बोलता है कि नहीं मैं कल कर लूंगा इसको, और आप तो रोज रोज बताते रहे, इतने में उसको संपत्ति से वंचित कर दी। या फिर वो पिता को चाकू लेके या तलवार लेके मारने के लिए दौड़ा, तब जाकर के संपत्ति से वंचित किया, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? अब ऐसी जो रोजमर्रा की बहस है वो तो पिता से वैसे ही होती रहती है, और किसी के पिता से इस प्रकार की अनबन है और पिता उसको सबक सिखाना चाहते हैं, और आपके कोर्ट में ये मसला आ गया, तो आप समझाओगे ना उसको, भाई इतने में संपत्ति से वंचित करोगे अपने बच्चे को, इतनी सी बात पे? तुम अपने पिता से पूरी तरह से सहमत थे, बड़े आज्ञाकारी थे, कमेंट करोगे ना? तुम्हारे साथ कभी इसने पिटाई की? बोले नहीं, पिटाई तो नहीं की। तुमको जान से मारने की धमकी दी? नहीं, ये तो नहीं किया। बस मैं कहता हूं तो ये उस काम को उस समय में नहीं करता है, टाल देता है, तो इस आधार पर संपत्ति से ही वंचित कर दोगे, और तुम्हारी बहन के बच्चों को या तुम्हारे भाई के बच्चों को दे दोगे संपत्ति, इसको नहीं दोगे, क्योंकि ये तुम्हारी संतान है। फिर भी बात समझ में आई ना? तो तहसीलदार रहते समय इतने सारे डिस्क्रिशनरी पावर है, ढेरों डिस्क्रिशनरी पावर है, तो वहां सब आपको ये सब चीजें बहुत काम आने वाली, बहुत सारे अधिकार है। अब वो कानून में कहीं कोई वर्णन नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कानून नहीं बना रखा है, सब कुछ तहसीलदारों के ऊपर डाला हुआ है, वही तय करते रहते हैं, सब वही तय करते रहते। यहां तक कि
जिन चीजों के लिए कानून बना हुआ है उसको भी वो पावर को एंजॉय करते हैं, कलेक्टर और तहसीलदार सब, खास करके वारिसान का सर्टिफिकेट, वारिसान सर्टिफिकेट ही बोलते हैं उसको, इंग्लिश में भी कई लोग यही बोलते हैं, उत्तराधिकार सक्सेसर, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेशन या सक्सेसर का, ये कोर्ट से लाना पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी नियम है कि अगर एक पिता के तीन बच्चे हैं तो तीनों बच्चे कोर्ट जाए, वकील करें और जज से सर्टिफिकेट लेके आए, जज के सामने खड़े हों और गवाह प्रस्तुत करें, मोहल्ले के लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको प्रस्तुत करें और कहें कि हम ही इनके बच्चे हैं, पुराना कोई राशन कार्ड लाएं, डॉक्यूमेंट लाएं, उसमें मुखिया की जगह उनके पिता का नाम लिखाओ, तीन बच्चों का नाम लिखाओ, या ऐसी चीजें लेके आए, वोटर आईडी लेके आए, तमाम जो भी सबूत ले जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट, और जज फिर सर्टिफिकेट देगा कि हाँ इसके ये तीन बच्चे हैं, और तहसीलदार इन तीनों में संपत्ति जो है वो बांट सकता है, 30 एकड़ जमीन है तो 10-10 एकड़ जमीन तीनों को बांट दे, इसका सर्टिफिकेट कोर्ट से लाना होता है। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी तहसीलदार कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं मांगता, खुद ही तय करता रहता है कौन किसका बच्चा है। समझ ये मैं आपको एक लूपहोल बता रहा हूं, मतलब इतना भयंकर पावर एंजॉय करता है वो, उसका अधिकार ही नहीं है कि वो खुद तय करे कौन किसका बच्चा है। कोर्ट से लेके आओ, कोर्ट से लिखा हुआ आएगा, हम कर देंगे बंटवारा, वो खुद ही ऐसे ही पटवारी से पूछ ले, पटवारी को बोलते हैं इसके गांव जाना, पूछना इसके कितने बच्चे हैं, ये जो आदमी मर गया है अब इसके बच्चों का नाम चढ़ने हैं, नामांतरण होगा तो इसके वारिस कितने हैं, तो वारिसान का सर्टिफिकेट वो खुद ही लिख देता है इसके इसके ये पाए गए और इसके दो बच्चे। 90% लोगों से वो कभी मिलता भी नहीं है। लड़कियों का अंडर स्टूड है, वो ससुराल चली गई मतलब उसने अपना हक छोड़ दिया, हक त्याग, जबकि वो कोर्ट में होता है, बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होती है हत्या के 0.5% से, यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 0.5% सरकार को टैक्स आएगा, तब वो हक त्याग कर सकती है, अपना हिस्सा छोड़ सकती है कोई भी महिला या पुरुष भी। अगर किसी को अपना हक त्याग करना है ब्लड रिलेशन में अगर अपना हक छोड़ना है तो 0.5%, और ब्लड रिलेशन नहीं है और थोड़ा दूर का रिलेशन है और उसके लिए यदि आप अपना हक त्याग कर रहे हो उसके हित में तो 2%, और ब्लड रिलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो फिर वो बिक्री कहलाएगी, तो 8% लगेगा, तो 8 लाख रुपया टैक्स सरकार को आएगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 8 लाख रुपया सरकार के खाते में जमा करना होगा, तब जाकर के उसका नाम चढ़ेगा। ये तो हम लोग चूंकि जॉब में रहे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की, तो हमको ये सब चीजें पता है, तो आपको बता रहा हूं। ये सब कानून, ये क्या है, कानून, MPLRC, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, उसको कोड भी बोलते हैं, कई बार एक्ट बोलते हैं, कई बार कोड बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू कोड, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा एनलाइटनमेंट हुआ। हाँ, कानून को जब आप जानेंगे और फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो और दम आ जाएगा, उसको क्वालिटी आ जाएगी। तो आज बेसिक लॉज बताया मैंने, लॉज क्या क्या होते हैं, ठीक है, अलिखित कानून और लिखित कानून, ये भी एक क्लासिफिकेशन हो सकता है, रिटन एंड रिटन कानून, लिखित कानून भी होते हैं, अलिखित कानून भी होते हैं, कई सारे अलिखित होते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसने अलिखित ही बना लिया ना तहसीलदार ने, बहुत सारे एंजॉय करते हैं। अच्छा, उसके लिए कोई अपील करता नहीं, कोई शिकायत भी नहीं करता, ये अंडरस्टूड है, जबकि लिखा हुआ नहीं है, वो पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ एक जैसा एक्सरसाइज हो रहा है, जबकि वो गलत है, न शासन वाला कुछ बोलता है, लोग सोचते हैं कि यही तो करेंगे और कौन करेगा, यही तो करेंगे। अच्छा, वकील भी कुछ नहीं बोलता, इतने सारे कानून के ज्ञाता है लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, हाईकोर्ट का जज बैठा हो लेकिन वो भी नहीं बोलता, उसको मालूम है कि अदालतों के काम और बढ़ जाएंगे, लोग तो इतने सारे मरते रहते हैं,
अब उनके वारिस तय करो, इसकी बहुत फाइलें बढ़ जाएगी ना। इससे अच्छा तहसीलदार खुद ही कर रहा है, आपको क्या करना है। उसमें उसके पैसे बनते हैं, उसके पैसे बनते हैं, उसको 1,000-2,000 रुपए तो ले लेता ना हर केस में, मामूली बात। तो एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, दूसरे लोगों के नाम चढ़ाना, मरने के बाद बच्चों के नाम चढ़ाना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते समझते आपको ये सब चीजें भी देखनी है। पॉलिटी शब्द के लिए जो मैं बता रहा था, उसके लिए लिख सकते हैं आप लोग की ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटी को अगर डिफाइन करना है तो किससे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। कल तो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, उसके साथ और भी चीजें हैं, इसलिए पॉलिटी के सिलेबस में क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम। तो ऑर्गेनाइज्ड प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम लगता है, और ये ऑर्गेनाइज्ड प्रकार का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके लिए भारत में हम लोग दो तरह की चीजें यूज करते हैं, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। भारत मोनार्की नहीं है, बहुत सारे मिडिल ईस्ट और उधर के वेस्ट एशिया के कंट्रीज के बारे में देखोगे तो वो सब मोनार्की है। अरब देशों में जाएंगे मोनार्की बहुत, एक ही व्यक्ति जो है वो शासन करता है। हमारे यहां शासन किससे होता है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। लोग चुनते हैं अपने खुद के लिए, हम बाय पीपल फॉर पीपल बोलते हैं ना, ऑफ द पीपल। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन। अमेरिका अपने आप को सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोलता है, हम सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या में डेमोक्रेसी कहीं नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और प्लूरल है, हम लोग, हमारे यहाँ जो है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, प्लूरल सोसाइटी है। अमेरिका में इतना प्लूरल नहीं है, अब तो हो गए हैं, वहां पे भी हिस्पैनिक है, इंडियन है, माइग्रेंट्स बहुत है, कई तरह की लैंग्वेज है अमेरिका में। मैं तो खास करके टैक्सी में घूम रहा था तो स्पेनिश मुझे समझ में नहीं आता था, गाने भी स्पेनिश में और कमेंट्री भी स्पेनिश में, और वो जो बोलता है वो भी स्पेनिश, तो स्पेनिश समझ नहीं आते थे उनको, वो हिस्पैनिक बोलते हैं, हिस्पैनिक पीपल फ्लोरिडा में खास करके, क्योंकि स्पेन का पूरे जो साउथ अमेरिका है उसके ऊपर कब्जा रहा है, वो उनका उपनिवेश रहा है साउथ अमेरिका, ब्राजील का, ब्राजील वाला इलाका, ये किनका, पुर्तगालियों का और स्पेन का खास करके, कुछ फ्रेंच टेरिटरी भी है। तो स्पेन का जहां जहां कब्जा रहा वो सब लोग, हम जैसे इंग्लिश बोलते हैं वो लोग स्पेनिश बोलते हैं, वही लोग भाग करके फिर फ्लोरिडा में इसमें आ गए, जहां ट्रंप ने जाकर नागरिकता ली। पहले न्यूयॉर्क का रहने वाला था ट्रंप, लेकिन वहां के शरीफ ने भी कुछ बोला था, उसको कमेंट किए थे, और वो उसको लगा कि चुनाव में मुझे फ्लोरिडा से ज्यादा फायदा होगा, तो फ्लोरिडा चला गया, तो फ्लोरिडा की नागरिकता ले ली ट्रंप ने। वो हिस्पैनिक पीपल है, स्पेनिश बोलने वाले उनको हिस्पैनिक पीपल बोलते हैं। तो बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी वहां पे भी, वो भी प्लूरल सोसाइटी हो गया। अमेरिका में जाओगे तो हर कंट्री का आदमी मिल जाएगा आपको, हर कंट्री का, और वो अपने, मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पे गया 6 महीने के लिए और एक कार खरीद ली। अगर आप 6 महीने के लिए भी जा रहे हैं, जैसे मैंने मल्टी एंट्री वाला वीजा बनवाया था 10 साल का, तो अभी मैं सितंबर एंड में जाऊंगा, तो पहले भी मैं गया तो मैं 6 महीने तक रुक सकता हूं, मैं मकान खरीद सकता हूं 6 महीने में रुकने के लिए, मेरे नाम से वहां प्रॉपर्टी हो सकती है, उसके लिए नागरिक होना जरूरी नहीं है, सब छूट है। मैं वहां चलाने के लिए कार खरीद सकता हूं, और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो यहां बन के जाएगा, एक इंटरनेशनल लाइसेंस यहीं RTO में बनता है, वो मैंने पहले से बनवा रखा था, 1 साल के लिए रहता है, वो है मेरे पास, मैं उससे कार चला सकता हूँ। मुझे वहां कार चलाने से कोई नहीं रोकेगा, मकान खरीदने से कोई नहीं रोकेगा। रोज मैं अपना मकान, खुद अपना ताला खोलूं, अपने मकान में रहूं, उस मकान में चाहे जो चीजें खरीद के भरूं, कुछ भी करूं, बस मैं वहां जॉब नहीं कर सकता। 6 महीने वाला जो वीजा है ये टूरिस्ट वीजा है, लेकिन वो लड़का लिफ्ट से और उबर से जुड़ गया
वहां जैसे हमारे यहाँ ओला उबर चलता है, वहां लिफ्ट और उबर चलता है, तो वो उबर से वो लिफ्ट से जुड़ गया और उसने अपना फोन ऑन करता है, वो कार जो है वो टैक्सी बन जाती है। और वो लड़के ने अपने जो बच्चे हैं वो स्कूल में भर्ती करा दिए, क्योंकि 10वीं तक स्कूलिंग फ्री है, 12वीं तक स्कूल पूरा फ्री है। पर वो गया था नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान से, और अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ा रहा है। और 6 महीने में एक बार इंडिया आ जाता है, बच्चों को लेके यहाँ सबसे मिला देता है, और टैक्सी से कमाता है। तो रोज जो है वो $1,000 के करीब कमा लेता है, रोज तो नहीं कमा सकता लेकिन ये $500 तो कमा ही लेता है, $500-$400 रोज कमाता है। बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, और बहुत बढ़िया स्कूल, बस आपकी एंट्री हो गई, बच्चों का वीजा बन गया, सब परिवार से जाने की छूट मिल गई, तो हर देश का आदमी वहां है। उसकी टैक्सी में आप बैठोगे तो गाने चल रहे हैं हिंदी में, नाम देखोगे रमेश नाम, तो अपने को लगता है इंडिया का है, बोले नहीं मैं नेपाल का हूं। अच्छा नेपाल के हो पर हिंदी गाने सुनता है, हिंदी में बोलता है, नाम रमेश है। बोले यहां, बोले हम लोग इधर से होते हुए निकले। मैंने कहा क्यों? बोले स्कूल से बच्चों को ले लूंगा, फिर आपको छोड़ते वो फोन ऑफ कर देता, उसमें वो तो टैक्सी से वो हट जाता है, प्राइवेट कार बन जाती है, फिर सब्जी लेने चला जाता है बीवी को लेके। और फिर मकान ले रखा उसने किराए से, बोले क्या है? बोले टूरिस्ट वीजा है। कई बार दूसरे वीजा भी मिलते हैं, 1 साल वाले, 2 साल वाले, जॉब वाले भी मिलते हैं, लेकिन एक बता रहा हूं मैं आपको, कितना फ्रीडम है, कितना फ्रीडम है, भयंकर फ्रीडम, जबरदस्त फ्रीडम। कोई नहीं बोलता है तुम यहां की सड़कें इस्तेमाल कर रहे हो, यहां प्रदूषण फैला रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम इतने लोग वहां से आ गए। ट्रंप बोलता था कि ये सब आ गए, इन्होंने भी मेरी अमेरिका खराब कर दिया, हमारे रिसोर्सेज छीन लिए, अपने लोगों में वो यही बोलता है, और हमें इनको सबको निकालना है, ये सब रोहिंग्या है और हम वो बनाएंगे, कौन सा कानून, CAA और NRC आ गया समझ, ये उसी का काम है ट्रंप का। तो ये वही था, लेकिन वहां एंजॉय कर रहे हैं पूरी दुनिया के लोग, पूरी शायद ही कोई देश होगा जिसका आदमी वहां ना हो, जॉब अपना काम कर रहा है, वहां की प्रॉस्पेरिटी से खुद भी फायदा उठा रहा है और वहां की इकोनॉमी में भी फायदा दे रहा है। वहां के लोगों को अब टैक्सी चलाने के काम के अलावा दूसरा काम करना अच्छा लगता है। महिलाएं भी जॉब पे जाती हैं तो जाते समय टैक्सी बना देती हैं, अपना जॉब करती हैं, आते समय फिर टैक्सी बना लेते हैं कार को, और जिस सवारी को जहां छोड़ना होता है वहां छोड़ देते हैं। कई बार लगता है कि ये टैक्सी चलाते हैं दिन भर, नहीं बोले मैं ऑफिस से आ रही थी तो अभी टैक्सी बना दिया मैंने इसको, अब आपको वहां ड्रॉप करेंगे फिर घर चले जाएंगे, थोड़ा पैसा कमा लेंगे। तो ये नेचर है, पूंजीवादी व्यवस्था में ये नेचर होता है, हर समय पैसा कमाया जाता है। हमारे यहां आदमी ऑफिस से आ रहा है तो कतई ना बिठाए किसी को कतई नहीं, वो पैसा ही नहीं कमाना चाहता उस, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था आ भी नहीं सकती, वैसे उस तरह की व्यवस्था नहीं आ सकती। तो जो पूंजीवादी लोग हैं, तो एक से मैंने पूछा दुकान वाले से कि आपके यहां मिलता, बोला हाँ, मैंने कहा वो मिलता, बोला हाँ, जबकि नहीं मिलता उसके यहां, लेकिन उसकी लड़की कुछ बन गई तो उसका जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क था वो काम नहीं आ रहा था, तो उसने कहा थोड़ा चला हुआ है, तो उसने उसको पूरा वो कर दिया फॉर्मेट मार के और उसको बेच दिया। पेन ड्राइव पड़ा हुआ है, लड़की की नौकरी लग गई और 6 पेन ड्राइव पड़े हुए हैं, और उसकी उसकी दुकान है जैसे कैमरे की है, स्टूडियो है या और कुछ है, और आप उसके यहाँ गलती से भी पूछने चले गए कि आपके पास पेन ड्राइव मिलता है, मतलब आपके यहाँ मिलता है, बोला हाँ मिलता है ना, उन सबको फॉर्मेट मारेगा अंदर और आपको टिका देगा 1,000 रुपये में, 700-700 स्टाइल होता है। आपको घर पर ढेरों चीजें पड़ी हुई है जो बेची जा सकती है लेकिन आप नहीं बेचोगे, क्योंकि आपने वो दिमाग ही नहीं है उस तरह का, आपने वो व्यवस्था ही नहीं, आप पैसा ही नहीं कमाना चाहते, और जो कमाना चाहता है वो हर चीज से कमाना चाहता है। ढेरों दुकानदार आपने देखा होगा आपको लटका के खड़े करके कहीं चले जाते हैं, दूसरी जगह से लेके आते हैं, 20-20 रुपये उसके ऊपर मिल रहे हैं, 10 रुपये का पेट्रोल जला देंगे, 10 रुपये नेट प्रॉफिट। उनका सिद्धांत रहता है कि मैंने श्रम किया, चाहे बारिश में मैं थोड़ा गीला भी हो गया, उसके गंजे पे पानी वानी भी आ जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन वो पसीना हो जाएगा, उसको परेशान हो जाएगा, लेकिन वो 10 रुपये नहीं छोड़ता, क्योंकि 10 रुपये का पेट्रोल जला दिया उसने, वो हिसाब में लगा लेता है, हिसाब लगा। कई लोगों का छोटा डब्बा है और बड़ा नहीं है, तो बोले नहीं छोटे के लाभ गिनाने लग जाएगा,
कुछ दुकानदार होते हैं फ्लैट होते हैं, नहीं है छोटा है, नहीं आपको तो बड़ा चाहिए ना तो पूंजीवादी व्यवस्था का नहीं है वो, समाजवादी व्यवस्था का आदमी वो आदमी कभी भी देखोगे कभी उसकी एक दुकान की दो दुकान कभी नहीं होगी। और उसके अभी मैं एक दुकानदार को जानता हूँ, रात को 1:30 बजे खाना खाता है, 12 बजे जाता है घर पे नहाता है, 1:30 बजे खाना खाता है, और सुबह 6 बजे सांचे का दूध आ जाता है तो वो वापस उसको दुकान खोलनी पड़ती है किराने की दुकान। मैंने उसका शेड्यूल देखा, पहले दो भाई मिलके ये काम करते थे तो एडजस्ट होता था, थोड़ा बहुत आराम मिल जाता था। अब एक भाई ने उसे 3 गुना दुकान बढ़ा लिया और दूसरी जगह कर ली, तो वो उसको संभालता है इसको संभालता है, तो दोनों रात को 1:30 बजे खाना खाता है और वो सुबह 6 बजे उठते हैं। हम आईएएस की तैयारी करने वाले इतनी मेहनत भी नहीं करते, वो किराना जो कभी कलेक्टर एसपी नहीं बनने वाला वो इतनी मेहनत करता है। आप कलेक्टर एसपी बनने वाले एक दो साल कर लो उसके बराबर कलेक्टर एसपी हो जाओ। हम लोग घूमने भी जाते हैं, सब तरह का है, ये भी चाहिए टाइम, वो भी चाहिए, लंच ब्रेक फलाना, टी ब्रेक फलाना, वो खड़े रहते हैं किराना, 5-6 मजदूर रहते हैं उनकी दुकान में, उन्हीं से काम कराते रहते हैं, इसका सामान की लिस्ट हमेशा अटेंशन, पैसे गिनना ये वो 10। आप किराने की दुकान पे कभी खड़े होकर देखो 10 तरह के लोग पेमेंट लेने वाले आते हैं जो होलसेल वाले होते हैं, इसका पेमेंट उसका पेमेंट 3,500, 5,000, 10,000 ये वो। वो कई बार आपको लगेगा कि एक आदमी तो उसके लिए चाहिए हमको, ऐसे लोग कभी रईस नहीं बन सकते, उनकी एक दुकान की दो दुकान होगी नहीं कभी, उसकी 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी उसकी दुकान। ये पूंजीवादी व्यवस्था है, ऐसे बढ़ता है अमेरिका, ऐसे बढ़ता है, रात दिन कमाता है, उसका ध्यान पैसे में रहता है, इसलिए उसने अपने यहाँ की सोसाइटी को लिबरल बनाया हुआ, इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, ठीक है, ओपन माइंडेड होता है। तो कुछ चीजें तो आज मैंने बताई बहुत सामान्य है, लेकिन कुछ प्रेरणा मिलेगी नहीं इनसे? हाँ, आप लोग तो सब आपके आसपास की बातें तो कर रहा हूं मैं, आपके आसपास सब देखो ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन भी वहीं से भी तो लो, मैं तो उन्हीं से मोटिवेट होता रहता हूँ। अभी मेरा बेचमेंट है वो ट्रेनिंग में गया था, अभी बता रहा था कि देखो बाहर बारिश हो रही लबासना में कैसे मेरा कमरा मुझे सबसे अच्छा वाला कमरा, अब तो अपन सीनियर हो गए तो अब ये वाला मिलता तो इसमें होते, वो बाहर बारिश हो रही है 11 डिग्री है और कल ट्रेकिंग थी, थक गया हूँ, पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, चल नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा जिम चले जाओ नीचे, तो बोले जिम जाऊँगा नहीं, मैंने कहा रोज करते रहने से ठीक होगा ना, लेकिन फिर बोले फिर वापस 3 सप्ताह की तो ट्रेनिंग है, उसके बाद वापस लफड़ा वहाँ, फिर दिन भर ऑफिस में बैठे रहो तो फिर वापस घूम फिर नहीं पाएंगे। तो मैं वो देख रहा था कि शेड्यूल जो है टाइट है, 5-5:30 बजे उठाते हैं, दौड़ाते हैं, कल दिन भर ट्रेकिंग करवाई, पता नहीं कहाँ बारिश में पहाड़ों वहाड़ों पर चढ़ाया तो सर्दी हो रही है, नाक बंद है, हाथ पैर पेन कर रहे हैं, लेकिन सुबह क्लास है और आज असाइनमेंट भी पूरा करना है, तो एक के बाद एक असाइनमेंट होते हैं, बहुत दिक्कत है, इतना आसान नहीं है। आप सोचते हो कि वहां आराम है, आराम नहीं है, बहुत झगड़ा टंटा है, इतना आसान नहीं है। सबसे आराम की नौकरी होती है टीचर की टीचर वाले काफी आराम की नौकरी, पुलिस वालों को देखो जब देखो तब टंगे रहते हैं, जब देखो तब टंगे रहते हैं। हम तमाम नौकरियों में थे तो खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, भूल जाते थे, खाना ही नहीं खा पाते थे, ऐसे ही समोसे से और इससे ही काम चलाना पड़ता था, बिस्किट खा के काम चलाते थे, कई बार वो भी याद नहीं रहता था, चाय ठंडी हो जाती थी, कब से चाय पड़ी हुई है, किसी की हिम्मत भी नहीं होती सर चाय पी लो आप पहले ठंडी हो जाएगी, ऐसा कोई बोल नहीं पाता, बड़े अफसर को तो वो भी नहीं बोल पाता, तो वो तो बोल ही जाता। तो बहुत बार भूखों मरते मरते ही बहुत देर तक काम करते रहे, ठीक है। तो ये हम लोगों को पढ़ाई करते समय करना चाहिए। तो ये आपाधापी आप मुंबई में जाओगे तो दिल्ली में जाओगे तो सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, किसी को फुर्सत नहीं है। भोपाल में तो खड़े हैं सब, बहुत सारे ठहरा हुआ शहर है, बहुत शांत और बहुत भोपाली ठाट है ना, तो इसलिए सिलेक्शन भी नहीं होते यहाँ से, इसलिए नहीं होते।
और अधिकांश लोगों को देखोगे वो जागृति हुई तो बोले कि मैं यूपी की थी, वो देशमुख हुई तो बोले मैं महाराष्ट्र की थी, तो पैदाइश यहाँ की नहीं है, खून यहाँ का नहीं, जीन्स कहीं दूसरी जगह के, यहाँ के हो ही नहीं सकते, यहाँ के नहीं निकले, आउटसाइडर ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ के लोगों में आराम चाहिए। कई लोग तो खाना खाते हैं तब बिल्कुल सबको चुप करा देंगे, खाना आ गया अब मैं बैठूंगा, अब कोई उठाने वाला नहीं होना चाहिए, बीच में कोई नहीं उठाएगा। वो कई लोगों को तो पसीना आता रहता है और चबाते रहते हैं और पसीना चू रहा था ना, कमाल है, मतलब खाना खा रहा है, मतलब क्या, हम लोगों ने ऐसे खाना कभी नहीं खाया, हमेशा पढ़ते पढ़ते ये देख लें वो देख लें, मोबाइल में कुछ चल रहा है फिर खाना खा रहे हैं, मतलब तीन चार काम एक साथ कर रहे हैं फिर खाना खा रहे हैं, ये होता है उसका स्पेशली खाना खाना है। खास करके टीचर जो होता है बहुत ही जबरदस्त खाना खाता है टीचर, उसको खाना खाने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए और बीच में कोई शोरगुल नहीं चाहिए। कलेक्टर तो ऐसे ही खाना खाता रहता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोन बंद कर दे, फोन लगा ही रहता है खाना चलता रहता है, ऐसे तो भूखा मर जाएगा, वो बोलेगा नहीं सब बिल्कुल ही खाली हो जाऊंगा तब खाना खाऊंगा, तो फिर तो तुम मरेगा तभी। तेरे मुंह में ही डालेंगे लोग चम्मच से, ऐसे नहीं होता। तो अपने आप को बिजी करना सीखो, बिजी रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। गुरुजी ने लिखा हमारे 18 घंटे काम करते थे गुरुजी, 18 घंटे लिखते थे, तो आप ऐसे गुरुद्वारे में आके पढ़ रहे हो तो यहाँ से शिक्षा लेके जाओ, खूब मेहनत करो और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, नॉलेज से डरो मत। अभी जो मैंने लॉ का नॉलेज बताया वो थोड़ा इनके बारे में थोड़ी सी जाँच पड़ताल करो, देखो छोटी छोटी चीजें लिखने के लिए आपको बताया, ठीक है। तो परिचय हुआ कि नहीं थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन से, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग सिलसिलेवार अगली बार, ठीक है, चलिए ओम।